2019 के चर्चित हैदराबाद एनकाउंटर पर पुलिस की कलाई खुल गई है। 2019 के चर्चित हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित आयोग ने फर्जी माना है। आयोग ने कुछ पुलिस वालों को इसका दोषी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए मामला तेलंगाना हाई कोर्ट भेज दिया है। इस एनकाउंटर में शामिल 10 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ACP रैंक समेत 10 पुलिस वाले फेक एनकाउंटर के आरोपी पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य की मांग को खारिज कर दिया कि रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें गोपनीयता की कोई बात नहीं है। हमारे देश में जांच हुई और कुछ लोगों को दोषी पाया गया और राज्य सरकार रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करे। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में जांच को गोपनीय रखा जाता है, ये फर्जी मुठभेड़ का मामला है। इसके साथ ही कोर्ट रिपोर्ट की कॉपी को याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने की अनुमति दी, जिन्होंने मुठभेड़ की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट ने मामले को वापस तेलंगाना हाई कोर्ट को भी सौंप दिया। 12 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में 4 आरोपी लोगों के कथित एनकाउंटर का कारण बनने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए पूर्व SC जज जस्टिस VS सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का निर्देश दिया और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रेखा बलदोटा और CBI के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन को शामिल किया गया था, जिन पर पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा था। कथित मुठभेड़ में महिला डॉक्टर की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने मार गिराया था। जस्टिस सिरपुरकर आयोग को काम शुरू करने के 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इस लिहाज से उसका कार्यकाल अगस्त 2020 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना के चलते काम में देरी हुई। इस साल जनवरी में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। ब्यूरो रिपोर्ट।